हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखिए, प्रीवियस वीडियो आपको मैंने उसके फॉर्मेट के बारे में पूरी डिटेल बता दी थी। अब हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि फॉर्मेट में कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आज आपको मैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। एक देखिए थर्ड क्वेश्चन और एक फोर्थ क्वेश्चन है। ये दोनों आप कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए या अपनी बुक में देख लीजिए, तो वहां पर आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर देखिए लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। तो अब यहां पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो आपकी फर्स्ट हेडिंग मैंने आपको बताई वो वहां पर क्या होता था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आप वहां पे कैलकुलेट कर देते। तो एक बार फॉर्मेट फिर से देख लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक उसको याद नहीं किया है, कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि फॉर्मेट से रिलेटेड ही यहां पे वैल्यूज को आप पुट करेंगे। अब इसको मैं करना स्टार्ट करता हूं। इसका फॉर्मेट देखिए यहां लिख दीजिए पर्टिकुलर और यहां पे आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जितने भी टर्म्स प्लस में आते हैं पहले उसको लिख दीजिए, फिर जो माइनस में आ रहा है उसको उसमें से माइनस करते रहेंगे। तो देखिए पहला टर्म यहां पे गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले इसको लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके देखिए वैल्यू 1 लाख रुपीज यहां पे देखिए हम लोग लिख देंगे। टोटल कॉस्ट कॉलम में आपका जो फाइनल अमाउंट आएगा आप उसको लिखेंगे, फिर यहां पर प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म देखिए मेंशन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी देखिए इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टर्म्स आपके प्लस होने हैं वह सब इसमें आप ऐड करते रहिए। अब देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंक्रीज करेगा, तो यहां पे वैल्यू गिवन है 3 लाख रुपए, वो इसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म मेंशन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखिए क्या होता है माइनस होता है। फिर कैरेज इनवर्ड गिवन है, कैरेज इनवर्ड आपका एक्सपेंस है वो इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं पहले कैरेज इनवर्ड। अब देखिए कैरेज इनवर्ड की वैल्यू गिवन है 10,000। ये तीन टर्म से यहां पे ऐड होंगे, तो पहला देखिए 1 लाख, 3 लाख, यह हो जाएगा 4 लाख, तो ये आपका 4,10,000 हो जाएगा। अब इसमें से एक एक करके टर्म्स हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां देखिए थर्ड टर्म गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ये देखिए मेंशन है आपको 1,10,000, इसको मैं ब्रैकेट में भी कर देता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि वैल्यू यहां पे सब्ट्रैक्ट होनी है। फिर देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल गिवन है आपको 5,000। एबनॉर्मल वेस्टेज भी मतलब क्या होता है कि आपका ये रॉ मटेरियल अब सेल आउट नहीं होगा या खराब हो रहा है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू गिवन है ये आपको 5,000 दी है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। और फिर देखिए लास्ट में एक और टर्म गिवन है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, ये 15,000 दिए है। तो जो भी डिफेक्टिव मटेरियल था, जो आपने सामान खरीदा था, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो आपने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया है, वो तो अब सेल आउट होगा नहीं, तो इसमें वो वैल्यू भी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखिए जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो माइनस होता है, उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल वेस्टेज मतलब जहां पे भी स्टॉक आपका कम हो रहा है, अब वो सेल आउट होने के लिए रेडी नहीं है, खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, वेस्ट हो गया, वो इन वैल्यूज में से माइनस करते रहेंगे। तो यहां देखिए 4,10,000 आ रहा है, ये आपका 1,10,000 है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पहले तो 4,10,000 में से सबसे पहले आप माइनस करेंगे 1,10,000, नेक्स्ट टर्म आपका आएगा 5,000 और नेक्स्ट टर्म आप माइनस कर देंगे इसमें से 15,000। तो देखिए फाइनल अमाउंट आपका आ जाएगा 2,80,000 और इसको आप यहां लिख देंगे और यहां पर आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और देखिए यहां पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपसे पूछा था, वो आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट से कुछ और टर्म्स आते हैं। यहां में देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता था, अगर यहां पे वेजेस गिवन होता, ठीक है, सैलरी गिवन होता या कुछ और टर्म्स गिवन होते जो आपके मटेरियल कंज्यूम में नहीं आते, तो आपको पहले देखिए फॉर्मेट पे कमांड होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई टर्म्स गिवन होते तो वो आप इस टर्म में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो प्लस करने हो चाहे माइनस करने हो।
तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको एग्जाम में आ सकता है तो उसमें रेंट, सैलरी या वो सारी वैल्यूज लिख देंगे जो अभी आपके इसके आगे वाले फॉर्मेट में, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट है या ऑफिस कॉस्ट है, तो वहां की भी कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन हो सकती हैं, तो उसको आपको यहां रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए इसी के बगल में एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको बुक में मिल जाएगा, इसका फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसी के नीचे। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे फैक्ट्री कॉस्ट पूछ रहे हैं, थोड़ा सा उसके आगे के टर्म्स। तो यहां पे देख लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन में है क्या। यहां देखिए आपको डायरेक्ट मटेरियल दिए, डायरेक्ट वेजेस दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, इनडायरेक्ट मटेरियल दिए, इनडायरेक्ट वेजेस दिए, फैक्ट्री एक्सपेंस दिए, वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए। अब देखिए यहां पे आपसे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट से पहले देखिए आपको तीन टर्म्स कैलकुलेट करने होते हैं। पहला अभी जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है, दूसरा टर्म आपका प्राइम कॉस्ट आएगा और तीसरा टर्म आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट होता है। ये सारी चीजें देखिए लास्ट टाइम में आपको मैंने फॉर्मेट में बताई थी, प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, तभी आपका दिमाग चलेगा कि मुझे यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट क्या करना है। तो पहले तो मैं यहां भी इसका फॉर्मेट बना देता हूं पर्टिकुलर, और यहां पे टोटल कॉस्ट का एक कॉलम बना देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछ तो सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट में है, मगर हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम के टर्म्स को लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, तो पहले डायरेक्ट मटेरियल यहां पे लिख दीजिए। आप लोग भी कॉपीज में साइड बाय साइड करते रहिए तो आपको देखिए समझ में और अच्छा आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू गिवन है यहां पे 29,400। फिर देखिए उसके बाद आपको यहां पे डायरेक्ट वेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, वर्किंग प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखिए सारे टर्म्स गिवन है। अब याद रखिएगा यहां पे आपको मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड एक ही टर्म दिया है, तो आप इसके नीचे आप लिख दीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, और जो आपका ये अमाउंट आ रहा है इसको सीधा बाहर लिख दीजिए 29,400। अब देखिए इसमें प्लस करिए सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस आप ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट वेजेस की देखिए वैल्यू गिवन है यहां पे 10,600, इसको डायरेक्टली आप टोटल कॉस्ट कॉलम में लिख देंगे। जैसे ही आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू मिल गई, उसके बाद जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी उसको डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिखते चलेंगे। अब देखिए डायरेक्ट वेजेस के बाद गिवन है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी इसमें प्लस करिए। डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू देखिए गिवन है आपको 2,000, इसको प्लस कर दीजिए। और इन दोनों के बाद आपको एक मेन टर्म मिल जाएगा जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ये अलग से लिख दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर जब आपके चेक करेगा तो इन सब टर्म्स के मार्क्स होते हैं कि प्राइम कॉस्ट आपने लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है, नहीं लिखा है, उन सब की वैल्यू के भी मार्क्स होते हैं। अब देखिए इन तीनों को पहले आप ऐड कर देंगे तो ये आएगा 29,400, उसमें आप 10,600 ऐड करेंगे और ये 2,000 ऐड कर देंगे तो ये आपका 42,000 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए इसी के जस्ट आगे आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा फैक्ट्री या उसको वर्क ओवरहेड बोलते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके लिखेंगे ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स गिवन है, यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है आपको 1,000, तो यहां लिख दीजिए इनडायरेक्ट मटेरियल, ये आपका 1,000 आ जाएगा, चाहे आप इसको आउटर कॉलम में लिख दीजिए सीधे। फिर देखिए इसमें मेंशन है इनडायरेक्ट वेजेस 3,000, तो इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, ये देखिए कि मैंने 3,000 लिख दीजिए। फिर देखिए आपको फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है तो फैक्ट्री एक्सपेंस भी इसमें ऐड कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस की वैल्यू देखिए 8,000 दी है। फिर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस आपको दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो रखिएगा ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस इसमें ऐड होता है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4,000 और जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस इसमें से आप माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू गिवन है आपको देखिए 5,000, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। और अब आप क्या करेंगे 42,000 में इन सब टर्म्स को प्लस करिए, 5,000 माइनस करिए और आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहां देख लेते हैं पहले 42,000, इसमें 1,000 पे ऐड करता हूं मैं, फिर 3,000, फिर देखिए 12 और इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो ये देखिए आपका आ जाएगा 53,000 और इसके जस्ट सामने आप लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखिए यहां क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको प्राइम कॉस्ट निकालना है या रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है,
मगर आंसर लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिए, उसका फॉर्मेट याद करिए, फिर प्राइम कॉस्ट के लिए दो टर्म्स ऐड करिए। अब आप एक चीज देखेंगे, डायरेक्ट वाली जो वैल्यूज होती है वो यहां आती है, इनडायरेक्ट वैल्यू जो वैल्यूज होंगी वो यहां पे आएंगे। इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मेन चीज फॉर्मेट, जो आपको मैंने लास्ट में बताया भी था कि फॉर्मेट जब तक आपको याद नहीं होगा, और उसको स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले क्या करिए, प्राइम कॉस्ट तक याद कर लीजिए, अपनी बुक के एक या दो क्वेश्चन करिए आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट तक जो वैल्यूज मैंने बताई थी उसको याद करिए। फिर एक दिन बाद ऑफिस कॉस्ट, धीरे धीरे आप जब याद करेंगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे तब आपको इसमें धीरे धीरे कमांड होते रहेगी। और ये भी देखिए कि एक दूसरे से कैसे अलग है, कौन से टर्म्स आते हैं, क्योंकि जो टर्म यहां पे आ रहा है वो फैक्ट्री में नहीं आएगा, जो फैक्ट्री में आ रहा है वो इसके बाद ऑफिस में नहीं आएगा। बाकी तो हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको वो सब चीजें भी समझ में आती रहेंगी। तो उसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए और इसके तरीके से अपनी बुक के भी शॉर्ट क्वेश्चन अभी ट्राई करिए। बाकी जब इसके नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं ऑफिस कॉस या उसके आगे वाले जो टर्म्स हैं उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा।